डबल मनी करने का झांसा देकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में दिन प्रतिदिन इजाफा होते जा रहा है। कोतवाली पुलिस ने आधा दर्जन लोगों से डबल मनी करने का झांसा देकर 47,50,000 रुपए लेकर धोखाधड़ी करने के मामले में कोसमी बालाघाट निवासी दो सगे भाई विकास हलकरे और सौरभ हलकरे के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया है। कोतवाली पुलिस ने यह अपराध प्रमोद पिता नीलचंद वाहने 37 वर्ष वार्ड नंबर 58 साई नगर उरला दुर्ग छत्तीसगढ़ निवासी के द्वारा की गई शिकायत पर दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। अपराध दर्ज होने के बाद दोनों भाई फरार है जिनकी तलाश की जा रही। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रमोद वाहने साई नगर उरला दुर्ग छत्तीसगढ़ निवासी रिश्तेदार उनके बालाघाट में रहते हैं। प्रमोद वाहने को बालाघाट निवासी अपने रिश्तेदार से जानकारी मिली थी कि विकास हलकरे बालाघाट कोसमी निवासी डबल मनी की स्कीम चलाता है और वह लोगों से रुपए लेकर कुछ ही महीनों में डबल करके देता है। 19 मार्च 2022 को प्रमोद वाहने ने विकास हलकरे के सरदार पटेल कॉलेज गायत्री रोड पर स्थित उसके ऑफिस पहुंचकर संपर्क किया था। विकास हलकरे ने प्रमोद को रुपए डबल करने की स्कीम समझाई और कहा कि अभी 4 माह में राशि दुगनी कर पैसा देने की स्कीम चल रही है, आप चाहो तो पैसा लगा सकते हैं। हमने कई लोगों के रुपए डबल करके दिए, हमारी बहुत बड़ी टीम है। प्रमोद वाहने विकास हलकरे के दिए हुए लालच में आ गया और उसने अपने पिताजी के बचत खाते से नकद 10,50,000 रुपए विकास हलकरे के हाथ में 4 माह की स्कीम में अपनी मौसी निर्मला उके बालाघाट निवासी के नाम से लगवाने के लिए दे दिया। जमा पैसे के बदले विकास हलकरे ने निर्मला उके के नाम का चेक हस्ताक्षर करके प्रमोद को दिया और चेक पर मेच्योरिटी 19 जुलाई 2022 लिखी थी। चेक एक्सिस बैंक बालाघाट के नाम का था। विकास हलकरे ने प्रमोद वाहने को चेक देते समय कहा था कि चेक को बैंक में मत लगाना, जब चेक मेच्योरिटी हो जाए तब चेक लेकर ऑफिस आ जाना और अपने पैसे ले जाना। मई 2022 में जब प्रमोद वाहने को डबल मनी करने वाले एजेंटों के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई के संबंध में पता चला तो उसने विकास हलकरे से संपर्क किया। तब उसने कहा कि आप निश्चिंत रहें, आपके पूरे पैसे में मेच्योरिटी दिनांक पर मिल जाएगा। विकास हलकरे ने यहां भी कहा कि हमारा केवल डबल मनी का ही काम नहीं है, हम फॉरेक्स ट्रेडिंग व अन्य कार्य भी करते हैं। 19 जुलाई 2020 को जब प्रमोद वाहने अपनी रकम वापस लेने के लिए विकास हलकरे के ऑफिस गया तो उसका ऑफिस बंद था। उसने फ़ोन पर संपर्क किया तो विकास हलकरे टालमटोल करने लगा और उसने 25 अगस्त 2022 को मिलने कहा था। प्रमोद वाहने ने जब 25 अगस्त 2022 को विकास हलकरे से संपर्क किया तो उसने अपनी बीमारी का बहाना बनाकर समय मांग लिया। प्रमोद वाहने ने अपनी मौसी निर्मला उके के नाम से चेक लिया था। प्रमोद वाहने ने विकास हलकरे से अपने नाम से चेक बनवाने के लिए कहा तो उसने 10 अक्टूबर 2022 को प्रमोद को अपने घर चौधरी निवास के सामने कोसमी बुलवाया। वहां पर विकास हलकरे ने अपने हस्ताक्षर युक्त चेक प्रमोद वाहने के नाम का दिया। यह चेक भी एक्सिस बैंक बालाघाट का था। विकास हलकरे ने चेक देते समय प्रमोद वाहने से कहा था कि 2 से 3 माह के अंदर आपके पूरे पैसे वापस कर दूंगा। प्रमोद वाहने ने 2 माह पूरे होने के बाद भी विकास हलकरे से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि मेरे पास लगभग ऐसे ही विकास हलकरे उसे टालमटोल करते रहता है। एक व्हाट्सएप ग्रुप विकास इन्वेस्टमेंट हरिओम नाम से भी बनाया गया था जिसमें 49 व्यक्ति ग्रुप के सदस्य थे। ग्रुप का एडमिन विकास हलकरे और उसका भाई सौरभ हलकरे भी था। यह दोनों भाई ग्रुप में पैसा देने के लिए अलग अलग डेट्स व प्लान बताते रहते थे। कई बार ग्रुप के सदस्यों के द्वारा मीटिंग भी दोनों भाइयों के द्वारा की गई थी। ग्रुप के माध्यम से ही प्रमोद भी मुलाकात ग्रुप में अन्य सदस्यों भी हो गई थी। विकास हलकरे ने अपने भाई सौरभ हलकरे के साथ प्रमोद वाहने के अलावा बालाघाट के शिशिर देवार बालाघाट निवासी से 1,50,000 रुपये, मनीष बिसेन से 2,50,000 रुपये, निकेश कुथे से 4 लाख रुपये, संतोष डोहरे से 24 लाख रुपये, रेखा दिएवार से 1 लाख रुपये और हंसा डोहरे से 4 लाख रुपये डबल मनी करने का लालच देकर लिया गया। और विकास हलकरे और उसके भाई सौरभ हलकरे ने एक षड्यंत्र के तहत इन लोगों से 47,50,000 रुपये लेकर धोखाधड़ी की। वहीं इनके अलावा अन्य लोगों से भी डबल मनी का लालच देकर रुपये लेकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की गई। इसकी एक लिखित शिकायत 12 मई को कोतवाली थाने में की गई थी। कोतवाली पुलिस ने प्रमोद वाहने के द्वारा की गई शिकायत पर विकास हलकरे पिता गजेंद्र हलकरे और उसके भाई सौरभ हलकरे निवासी कोसमी बालाघाट के विरुद्ध धारा 420 120 बी 34 भारतीय दंड विधान और धारा 21(2), 21(3) अविनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 के तहत अपराध दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। अपराध दर्ज होने के बाद दोनों भाई फरार हो गए हैं जिनकी तलाश की जा रही है।